दोस्तों, सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। आप देख रहे हैं छोटी बड़ी पल पल की जानकारी के साथ, टूटी फूटी आवाज़ में, ग्राउंड रिपोर्टिंग के साथ। मैं हूं प्रेम वाजपेयी। खबरों को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आपको बताते चलें कि लगातार चैनल पर प्रकाशित हो रही खबरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, अन्य सोशल मीडिया पर, कि लगनकट्टों का पुलिस और स्थानीय वन विभाग के मिलीभगत से थमने का नाम नहीं ले रहा। रात दिन आरा चलाकर उनको धराशायी किया जा रहा है, लगातार आप देख रहे हैं। वहीं पर फिर आपको बता दें कि रेवसा थाना क्षेत्र के अंतर्गत बंभिया गांव में कप्तान सिंह ने अपने कुछ आम के पेड़ बेचे थे लकड़कट्टे स्थानीय औरा के जियाउद्दीन और सिकड़िया के कमलाकांत, जिनके द्वारा तकरीबन बिना परमिट बनाकर और अपनी मनमानी और दबंगई के बलबूते 17 पेड़ काट कर धराशायी कर मौके से लकड़ी उठा ली गई ग्राम बंभिया से। 3 मार्च 2023 की रात और 4 मार्च 2023 की सुबह की घटना है, जो पेड़ काटे गए हैं बिना परमिट के बताए जा रहे हैं। इसी कड़ी में इटौरी थाना रेवसा क्षेत्र के अंतर्गत धीरज सिंह ने अपने आम के बाग के पेड़ कुछ बेचे थे, जिनका 20 पेड़ों का परमिट बनवाया गया। ठेकेदार रत्नु और अंसार और मुशीर, इन लकड़कट्टों ने तकरीबन 3 पेड़ जामुन के और 24 पेड़ आम के काटकर लकड़ी मौके से उठा ले गए। वहीं पर सूत्रों के अनुसार माने तो कुछ जड़ें भी गायब कर दी हैं। मौके पर उतना ही रखा गया है, लेकिन 27 पेड़ काटे गए हैं, 3 जामुन के और 24 आम के, जो अंसार और मुशीर ठेकेदार के द्वारा काटे गए। 20 का मात्र परमिट था। वहीं पर जब इस बाबत बात की गई कमाल अहमद रेंजर से, तो उन्होंने बंभिया में बगैर परमिट के पेड़ काटने की बात कही और कोई परमिट जारी नहीं हुआ। वहीं पर 20 परमिट का इटौरी गाँव में धीरज सिंह के पेड़ का परमिट होना बताया, लेकिन 27 पेड़ काट कर धरा गए। जरा आप गौर करिए, बाग में आम बौर लगा हुआ है, फिर इस कदर से आँख मूंद कर पेड़ परमिट जारी किया जा रहा है। कैसा खेल खेला जा रहा है इस कदर के, और जुबानी बन गया कि सबसे अधिक नियम और कानून ताक पर रखकर भारतीय जनता भाजपा की सरकार में पेड़ों का पर्यावरण का नष्ट किया जा रहा है। अब देखना यह है, सवालिया निशान खड़े करता है, कटघरे में खड़ा करता है कि क्या कार्रवाई करते हैं जिम्मेदार। दो इसमें दी है? नहीं, एक ये है, एक वो आगे बगिया है। दो, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11। धीरा सिंह की सिकौहा के, वो यहाँ पहले ना रहा था? पहले रहा। यह बाग कहाँ पर स्थित है? बाग इटौरी में है, रोड के किनारे। गांव से किधर? उत्तर है। का जीवन पर्यावरण की जहाँ पर बात करती है सुरक्षा की, लोगों की जीवन की बात करती है सरकार, और वहीं पर मतहत जिम्मेदार और राजनीतिक सफेद पोष खाताधारी सेल्फी लेते हैं वृक्षारोपण के समय, बाकायदा सब कुछ करते हैं, लेकिन वहीं पर उनका भी संरक्षण यहाँ जुबानी लोगों की चर्चा कयास लगा रहा है कि
संरक्षण प्राप्त है। आए दिन काट ले रहे हैं इन पेड़ों को प्रतिबंधित, जबकि फल देने के कगार पे हैं। ये थाना रेउसा क्षेत्र के इटौरी गांव का मामला है, जहां की मैं तस्वीर दिखा रहा हूं। थाना रेउसा का मामला है, इटौरी गांव के पास वीरान कर दिया बाग को। विभाग, वन विभाग और पुलिस की मिली भगत से एक मोटी रकम लेकर के बड़ा खेल खेला जा रहा है। कैसे बचेगा लोगों का जीवन, कैसे सुरक्षित होगा पर्यावरण, जबकि सरकार करोड़ों रुपया वृक्षारोपण पर खर्च करती है, और वहीं पर सफ़ेद खदरधारी नेता लोग और विभागीय आला अधिकारी पानी डालते नजर आते हैं, सेल्फी लेते हैं, सोशल मीडिया पर वायरल कर वाहवाही लूटते हैं। लेकिन उसके बाद जब उन पेड़ों पर आरा चलाया जाता है, उन्हीं की मिली भगत से, विभागीय और पुलिस की मिली भगत से मोटी रकम लेकर के जेबें गर्म कर लेते हैं। ये लकड़कट्टे जरा भी गुरेज नहीं करते। ये है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के नियम और कानून कायदे। कहाँ तक फैले होते हैं, किस कदर से, ये अपने आप में तस्वीरें बयां करती हैं। जरा गौर फरमाइए क्या हालात हैं।